गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडीज द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का, मैं अनादि गौतम। क्या हाल है भाई सभी के? सब लोग ठीक हैं? जितेंद्र चौधरी, मोहित, कोमल प्रधान, जीत सिंह, आशुतोष जी, सब लोग ठीक? तो जल्दी से एक बार चेक कीजिए, आवाज़ वगैरह सब सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वैसे मेरे को सही लग रहा है। हेलो सर, आशुतोष मौर्य, शिवा, सुजीत, प्रिया, आनंद, प्राची, सागर, हिटमैन। अच्छा चलिए भाई, करते हैं स्टार्ट जल्दी से। रजनी शर्मा, एसएससी सीजीएल एंड यू। अच्छा, जो स्पेशल क्लास है भाई एसएससी वाली, एक सेकंड, हाँ जी, तो जो स्पेशल क्लास है वो कल, जैसे संडे होती है स्पेशल क्लास, उसी तरीके से कल भी रहेगी। 11 AM से लेकर आपका रहेगा 1 PM के बीच में, 2 घंटे, और फिर शाम को 6 से लेकर 8 के बीच में रहेगा। और जो क्लासेस रहेंगे, ये दोनों के दोनों क्लासेस किस चीज़ की रहेंगी? करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जी के। तो ये क्लास आप ज्वाइन कीजिए प्लीज़। मेरा नाम लीजिए जीत सिंह, आपका नाम कई बार ले लिया, तुम्हारे नाम के हमारे बराबर में पहले एक अंकल रहा करते थे जीत सिंह, सेम नाम ही था उनका, मेरा एक फ्रेंड है उसके फादर का नाम। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। बाकी 9 से लेकर 12 तक की कोई भी क्लास किसी को ज्वाइन करना है अनअकैडमी पर, उसके अलावा एसएससी, रेलवे या अदर कोई भी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरा कोड यूज़ कीजिए, जो कि क्या होता है ANADYT। उर्वेश कुमार, चंद्रभान, इरशाद, मुनिनाथ, रोहित, कैसे हैं? ठीक है भाई, चलिए करते हैं जल्दी से स्टार्ट। पहला वाला जो है वो क्या है क्वेश्चन आज का? NTPC के लिए क्लास लगाओ प्लीज़। बेटा ये वाली क्लास तो देखो ऑल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए होती है। चलिए मैं करता हूँ जल्दी से स्टार्ट। विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 20 जून, 25 फरवरी, 10 मार्च या रोहित राव 14 जून? बताइए जल्दी से कौन सा होना चाहिए। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे जो होता है वो इनमें से किस डेट को होता है? गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी बता दो। अब मुनिनाथ जी, स्नेहा सोनी, 14 जून, बिल्कुल ठीक है बेटा। कितना होता है? 14th of June को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? रिसेंटली नासा हैज अपॉइंटेड विच वुमेन एज द हेड ऑफ द स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन किसको किया? मौमिता दत्ता, कैथी ल्यूडर्स, नंदिनी हरिनाथ या ऋतु करढ़ाल? क्लास हो रही है रजनी, क्लास हो रही है बेटा, पढ़ लो जल्दी से। तो ये क्या है? ये आपका कैथी ल्यूडर्स, बिल्कुल सही बात स्नेहा सोनी जी। आशीष ठीक है बेटा, राहुल शोर, महावीर सिंह नमस्कार जी, शिवांश जी। नेक्स्ट इसके बाद में आता है, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? एक्चुअली कुछ सीट खाली चल रही हैं, वैसे जो अभी फिलहाल टोटल स्ट्रेंथ है, जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो कुल संख्या है, कुल क्षमता है, जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो कितने, तो अभी फिलहाल कर रखा है नॉट मोर देन 34, ऐसे होते हैं 33+1, लेकिन फिलहाल कितने हैं? 32 से काम चला पड़ रहा है। दीपक भाई, जहां जो क्लास पढ़ाई है उसी से मैं बात करना, अब उसके बारे में फिलहाल बात मत कीजिए, ठीक है? उसी टाइम बात करना चाहिए था, एक बार फिर देख लेंगे, मुझे अब तो फिलहाल याद नहीं क्या पढ़ाया होगा, तो उसी में बात करना शाम को जब क्लास हो स्पेशल वाली। मैक्सिको की दक्षिणी खाड़ी में बने ट्रॉपिकल तूफान, ट्रॉपिकल स्ट्रोम का नाम क्या था? नेम द ट्रॉपिकल स्ट्रोम, इंग्लिश में तो दे ही रखा है, इन द सदर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो क्या नाम है? ये आपका क्रिस्टोबल, पहले 31 होता था भाई, 30+1, क्या नाम है? क्रिस्टोबल इज द क्रिस्टोबल, ठीक। एक्चुअल नंबर बेटा 34 होता है, एक्चुअल जो नंबर है ना वो 34 है, 34, दो सीट खाली चल रही है तो अभी 32 है, ये इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग CJI होता है, ठीक है। कार्तिक ही नाम है ना तुम्हारा, कार्तिक कुसुमा, हाँ, तो इंक्लूडिंग CJI, और CJI अभी कौन है? शरद अरविंद बोबडे, आया था लास्ट ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन आता है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश
कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कैसे भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को आप लोग। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वही भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश माने जाएंगे। सर मैं ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुकी हूँ बट स्टूडियो कोई आप है क्या हैं, बेटा समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो। तो सबसे पहले वाले थे भाई जस्टिस हीरा लाल जयकिशन कानिया, है ना, जयकिशन दास कानिया जे, इसको आपको ज़्यादा नाम लिखा मिलेगा इनका, एच जे कानिया, ठीक। बाकी जो जी वी मावलंकर साहब हैं शायद पता होगा, जी वी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर थे, कौन थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, बहुत आता है, प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कहाँ के, लोकसभा के, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट इसके बाद में आता है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नाइन्थ फाइव ईयर प्लान का जो टाइम बोल रहा है 1997 से 2002, टेंथ फाइव ईयर प्लान 2002 से 2007, इलेवंथ फाइव ईयर प्लान आपका 2007 से 12, और उसके बाद 95 से 2012 लास्ट था भाई, ये उसी से याद हो जाएगा, 2012 से लेके 17 के बीच में था, ठीक है। उससे पहले पाँच पाँच साल माइनस करते चले जाओ तो 11वां वाला जो है बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक, 11 से पहले, 10वां वाला जो है वो भी बिल्कुल ठीक लिखा है, 10 से पहले, 97 से 2000 वाला, 2 वाला ये भी ठीक लिखा है, गलत कौन सा है, डी वाला, कौन सा गलत है, डी आशीष बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि इसका टाइम है 1992 से लेके 1997 के बीच में, कब तक, 1997 के बीच में इसका एक्चुअल टाइम है। नेक्स्ट आता है, मैंने आपकी क्लास रोज़ देखना हूँ 6 मंथ से, धन्यवाद भाई मनीष, थैंक यू, सिलेक्शन पक्का है अभिषेक भाई, अभी तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज। एक्चुअली क्या होता है, जज जो होते हैं कौन से वाले, अगर जज की बात करें चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कोई भी हो, अगर उनके अपॉइंटमेंट की बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो दोनों को अपॉइंट करने का जो राइट है वो होता है अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो नाम है उनका है, या तो नाम लिखा मिलेगा आपको मोहसिन उल मुल्क, ठीक है वेस, या फिर लिखा मिलेगा मोहसिन उल मुल्क या वकारुल मुल्क, कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो होता है 124 और हाई कोर्ट का आर्टिकल होता है 217, तो इसमें से मैच कर रहा है 217, कौन सा है 217, और इसके लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट जरूर करते हैं लेकिन जो रिकमेंडेशन है, जो सिफारिश है वो कहीं और से आती है। तो क्वेश्चन आता है बात कि रिकमेंड कौन करता है, तो भाई रिकमेंडेड बाई कौन, जो सिफारिश है वो कौन करेगा, रिकमेंडेड बाई बताओ, कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है ना, कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर, कॉलेजियम प्रणाली। ये क्या होते हैं, 5 जज होते हैं इसमें, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसी को कॉलेजियम बोलता है। आपकी रजनी बेटा पहली क्लास है, रेगुलर रहो, डेफिनेटली फायदा मिलेगा, पक्का सिलेक्शन होगा। लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये होते हैं भाई स्टेट में, ये कहाँ होते हैं, स्टेट में होते हैं, राज्यों में होते हैं, किस काम को करने के लिए, टू स्टॉप या कंट्रोल द करप्शन, वो बात अलग है करप्शन रुकता नहीं है लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट तो है, ठीक, भ्रष्टाचार को रोकने वाला विभाग। तो स्टेट की बात आती है तो कौन करेंगे, गवर्नर। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, सेंटर की अगर हम लोग बात करें, यूनियन की अगर हम लोग बात करें, तो सेम पोस्ट होती है जिसको नाम देते हैं लोकपाल, क्या नाम देते हैं, लोकपाल, और लोकपाल का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं, बाई प्रेसिडेंट। अभी पहले लोकपाल अपॉइंट हो चुके हैं, नाम है, क्या नाम है कोई बता सकता है, पिनाकी चंद्र घोष, पी सी घोष बेटा, मैं बताता हूँ छवि, देखो मैं अभी बताता हूँ सारी क्लासेस का टाइम, मेरी जो क्लास होती है, देखो ये जो 1:30 वाली क्लास है, 1:30 PM,
ये इसी चैनल पे सैटरडे और संडे मिलती है, ओनली सैटरडे संडे। उसके अलावा मंडे से फ्राइडे आपको जो क्लास मिलेगी वो मिलेगी वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल है, 9 AM 15 मिनट के आसपास का करंट अफेयर्स की क्लास होती है, डेली करो मंडे से फ्राइडे। एक चैनल है वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट, जो लाइव टेस्ट चैनल है उस पर मेरी जो क्लास है उसका टाइम होता है 11 AM 11 बजे होता है। कब होता है? 11 AM होता है डेली मंडे से फ्राइडे। बाकी 6 PM पर होता है अनअकैडमी क्लास, आज तो नहीं है कल रहेगी, अनअकैडमी पर स्पेशल सेशन होता है, डेली होता है वैसे, आज नहीं है लेकिन। और भाई उसके अलावा कल 11 से 1 भी है स्पेशल क्लास अनअकैडमी में ही, मेरा पूरा नाम फॉलो करना आपको क्लास मिल जाएगा अनादि कुमार गौतम के नाम से, करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके का कल क्लास होगा। बाकी इसी क्लास में मैंने आप लोगों को पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कराऊंगा, अभी सब करा रखा है। तो क्या आंसर है भाई इसका? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है बेटा जैसिंडा आर्डेन, पहला आंसर है, निकोलस नहीं है भाई। बेटा बोर्ड अभी है नहीं, अभी सब घर से काम हो रहा है ना, ऑफिस में नहीं है, जिनके घर में लगा हुआ है वो बोर्ड से ज़रूर पढ़ा रहे होंगे, पहले बोर्ड से ही पढ़ाते थे। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है? अकॉर्डिंग टू मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया फॉर माइग्रेंट, कौन सा होगा बताइए भाई जल्दी से। वाईफाई स्टडी डेढ़ बजे, बेटा डेढ़ बजे है तो सही वाईफाई स्टडी का टाइम, लेकिन ओनली सैटरडे संडे। वाईफाई स्टडी 2.0 पर 9 AM, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पर 11 AM। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आता है भाई मुंबई, क्या आंसर है? मुंबई। नेक्स्ट इसके बाद में आता है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के रोजगार खोजने के लिए रोजगार सेतु नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था कोरोना की वजह से जो लोग बेरोजगार हो गए थे उनके लिए? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द रोजगार सेतु पोर्टल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर, बिहार, पंजाब, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो करेक्ट आंसर इसका जो होता है वो होता है मध्य प्रदेश, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। स्वदेशी आंदोलन जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 1905-06 में, कब स्टार्ट हुआ था? 1905-06 में ये स्टार्ट हुआ था, 1905-06 में स्टार्ट हुआ था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और स्वदेशी अपनाओ, यूज स्वदेशी की बात की थी, टू यूज या प्रमोशन ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, तो गोखले साहब ने स्टार्ट कराया था, लेकिन बात बोल रहा है स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति के हैं अश्विनी कुमार दत्त। गोखले तो कांग्रेस के चेयरमैन थे इस टाइम पर, INC के क्या थे? चेयरमैन थे, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का जो प्रस्ताव था वो पास कराया था। तो दोनों अलग अलग पॉइंट है बेटा, अश्विनी कुमार दत्त, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट इसके बारे में बताया, वर्तमान में भारत में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं? कितने उच्च न्यायालय हैं आप लोग बताओ, तब तक मैं सबसे पहला बताता हूँ। अगर आता है फर्स्ट थ्री तो 1862 में आए थे हमारे सामने, जिनमें से एक था कैलकाटा, आज का कोलकाता, दूसरा था बॉम्बे, और भाई तीसरा वाला जो था वो था मद्रास। ये पहले तीन हैं, तो 25 हो गए हैं। अब आता है न्यू कौन कौन से हैं, तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गए अलग अलग, तो दोनों का हाई कोर्ट भी अलग अलग कर दिया गया, ठीक है ना, दोनों का जो हाई कोर्ट है वो भी अलग अलग कर दिया गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों की एक ही डेट रखी गई है हाई कोर्ट की, 1 जनवरी 2019, ठीक है। उसके अलावा 2013 में तीन आए थे, जिनमें से आपका कौन कौन सा था? एक था मणिपुर, पहले इनका गुवाहाटी में होता था, एक था भाई मेघालय, और एक आपका जो था वो था त्रिपुरा, वरना उससे पहले 21 हुआ करते थे, ठीक, तो 21 से हुए 24, उसके बाद में हो गए 25। नेक्स्ट आता है कृषक आंदोलन बिचौलिया या बिजौलिया, बिचौलिया नहीं, बिजौलिया किस राज्य से संबंधित है? फार्मर मूवमेंट हुआ है, बिजौलिया इज रिलेटेड टू विच प्रेजेंट स्टेट? केरल, असम, उड़ीसा या राजस्थान? राजस्थान, सही बात, राजस्थान। नेक्स्ट इसके बाद है सहायक संधि, उड़ीसा नहीं बेटा स्नेहा, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर, राजस्थान, उड़ीसा नहीं है।
सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला, अगर आता है सहायक संधि कब की है, सब्सिडरी अलायंस कब की है, किसने स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट किया था लॉर्ड वेलेसली ने, वेलेसली या वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। ठीक, 1798 में सबसे पहला जो स्टेट है, प्रथम स्टेट, तो वो था भाई हैदराबाद। सबसे पहला स्टेट कौन सा था? हैदराबाद था, स्टेट अगर बोलता है तो। फर्स्ट पेशवा अगर बोलता है, पहला पेशवा, सॉरी पहला मराठा अगर बोलता है तो पहला मराठा जो था वो था पेशवा, बाजीराव सेकंड था। और लास्ट बोलता है ये तो होलकर है, लास्ट जिसके साथ में किया गया है। फर्स्ट वॉज निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बिल्कुल सही है, होलकर, होलकर इंदौर वाले। नेक्स्ट है रोडेंटिसाइड क्या होता है? मेडिसिन होती है वर्म्स को मारने वाला, अ मेडिसिन टू किल एनिमल, या होता है ल्यूब्रिकेंट, या तो होता है भाई पेस्टिसाइड। जल्दी जल्दी बताते जाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ एग्जाम में। कौन सा वाला है जिसको रोडेंटिसाइड बोलता है, क्या आंसर होना चाहिए जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई स्नेहा सोनी, इसके क्या है, पेस्टिसाइड है। नेक्स्ट आता है किस बौद्ध भिक्षु ने मिलिंद, जो कि एक इंडो ग्रीक राजा था जिसका एक नाम था मिनांडर, क्या नाम था, मिनांडर भी उसी को बोलते थे, मिनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था, तो किसे बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया है भाई, नागसेन ने किया है, नागसेन ने किया है, या गौतम बुद्धा जी ने किया है, या शाक्य मुनि, या महाधर्म रक्षित, तो किसके द्वारा किया गया है। वेरी गुड भाई आरती वेदी, बहुत अच्छे, नागसेन ने किया है बेटा, शाक्य मुनि नहीं, शाक्य मुनि तो गौतम बुद्ध का ही अदर नेम है, ये तो एक ही है दोनों, ठीक है ना, तो नागसेन के द्वारा किया गया। इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, बुक का नाम है मिलिंद पनहो, मिलिंद पनहो, मिलिंद के क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें दो नाम आते हैं, एक तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 1905 की अगर मैं बात करूं तो बनारस में अधिवेशन हुआ है, तो पास तो कराया था गोखले जी ने, जी के गोखले, लेकिन गोखले जी के बाद जो मेन फिर आते हैं दूसरे वो कौन है, वो है 1906, नाम है दादा भाई नौरोजी ए आनीस, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना, दोनों ध्यान में रखना, ये कैलकटा सेशन हुआ है, दादा भाई नौरोजी तीन बार बने चेयरमैन। इसके बाद नेक्स्ट आता है, और दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसके बाद है 5D संख्या के साथ अवतल लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस विद नंबर 5D, 5 सेंटीमीटर होगी या 10 सेंटीमीटर होगी या 15 सेंटीमीटर होगी या 20 सेंटीमीटर होगी, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सह्याद्री, सह्याद्री को किसको बोलते हैं, अरावली को, वेस्टर्न घाट को, हिमाद्री को, किसको कहते हैं, हिमाद्री तो हिमालय का ही पार्ट हो गया प्रॉपर, अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और जो पश्चिमी घाट है उसको हम नाम देते हैं सह्याद्री, बिल्कुल स्नेहा 1010 सुभीम त्रिपाठी जी। निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे सैन्य अभ्यास कावकास 2020 से खुद को अलग कर दिया, इसी को काकेकस भी बोलते हैं, उस दिन भी बताया था मैंने आप लोगों को काकेसस, ये भी इसी का नाम है। तो किसने किया भाई, भारत ने, नेपाल ने, लगभग 18 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जापान ने या पाकिस्तान ने, तो हम लोगों ने किया है, हाँ बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने किया है, इंडिया ने किया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज़ का कौन सा ऑलराउंडर है जिसने T20 में 500 विकेट लेने वाला पहला
गेंदबाज बन गया दुनिया का T20 में फर्स्ट वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 500 विकेट रैकिम कार्नवाल डेविन ब्रेवो कार्लोस ब्रेथवेट या डेरन सैमी। ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि भाई क्वेश्चन आपका जो आता है क्या है, ये आपका क्वेश्चन है क्रिकेट का, क्रिकेट तो बच्चा बहुत देखते हैं, तो बता दीजिए क्या है। ब्रेवो डेविन ब्रेवो। निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुब मीनार का से जुड़े हुए चार लोग मेन रहे हैं। अगर आता है फाउंडेशन, मतलब जिसने फाउंडेशन रखा है, तो भाई उसका नाम है बंदे का कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछा जाता है कंप्लीट किसने कराया, तो कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। अगर क्वेश्चन कहता है रिपेयर किसने कराया, तो रिपेयर्ड बाय फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह। बचा कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नहीं कराया इसमें, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाम पर अलाई दरवाजा बनवाया था यहीं पर जहां कुतुब मीनार है उसी के सामने कुतुब कॉम्प्लेक्स। ये कुतुब मीनार से ऊंची एक मीनार बनाना चाहता था बट नहीं बना पाया। आमतौर पर क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का उपयोग किया जाता है? विच वुड इज नॉर्मली यूज टू मेक द क्रिकेट बैट? ओक टीक विलो वॉलनट। कौन सी वाली होती है? हाँ इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था, वही तो मैं बोल रहा हूँ। विलो कौन सा है? विलो इज द करेक्ट आंसर। किस एशियाई देश को गोल्डन पैगोडा की भूमि के रूप में जाना जाता है? विच एशियन कंट्रीज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा? चाइना जापान श्रीलंका म्यांमार। और जो देश है उसी को पहले बोलते थे सुवर्ण भूमि, एंशियंट हिस्ट्री में उसी का एक नाम और था, क्या था? सुवर्ण भूमि भी इसी का नाम था। और उसी को बोलते थे बर्मा, उसी को क्या बोलते थे? बर्मा बोलते थे। और वही है भाई आज का क्या, आज का म्यांमार। तो वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। विक्की शर्मा, आरती बेदी और मौजम यूट्यूबर सौरभ कुमार जी, सबका आंसर सही जा रहा है। भगत सिंह के साथ सौरभ ने तो मुझे लग रहा है सी लगाया है। किस क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा के गलियारे में बॉम्ब फेंका था? बता दीजिए भाई। खुदीराम बोस जी तो हैं नहीं, उन्होंने तो 1908 में कैनेडी की हत्या की थी, किंग्सफोर्ड को मारने गए थे, गलती से दूसरा मर गया प्रफुल्ल चाकी के साथ, इनको बाद में फांसी दे दी। राम प्रसाद बिस्मिल जी काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए थे, एचआरए के मेंबर। चंद्रशेखर आजाद भी उसी से जुड़े हुए थे। और ये है बी के दत्त, बटुकेश्वर दत्त नहीं बेटा, खुदीराम बोस नहीं है, बी के दत्त हैं। खुदीराम बोस को तो 1908 में फांसी लग गई है, सबसे यंगेस्ट वाले हैं। तो बी के दत्त हैं, इनको हुआ था लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या हुआ था? लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसी केस में, ठीक है ना, उम्र कैद की सजा। नेक्स्ट है भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका एंटी टेररिज्म डे होता है, जो कि डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी है, डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि कौन सा होगा? बिल्कुल 21 मई। और इनका जन्म होता है 20 अगस्त, जन्म का होता है 20 अगस्त को, क्या? सद्भावना दिवस, कम्युनल हार्मोनी। कल ध्यान रखना 11 AM से 1 और 6 से 8 स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी। काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस शहर के पास है? नियर विच सिटी इज द काकरा पार न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? क्या है? कोटा के पास, कारवार कर्नाटक, सूरत गुजरात या मुंबई? काकरा पार कहाँ है?
अरे भाई सूरत में, काकरा पार कहाँ पे है? सूरत के पास, कर्नाटक में नहीं है बेटा। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? जल्दी से बताइए भाई। दीप भट्ट जी, दिलप्रीत, शशि कुमार, अजय कुमार, सौरभ कुमार, सारे कुमार एक साथ हो गए हैं। स्मार्टर एवरीडे, बिल्कुल होना ही चाहिए। जी सिंह, क्या होगा बेटा? एस विजय लक्ष्मी, बिल्कुल एस विजय लक्ष्मी, कोनोरू नहीं है भाई, एस विजय लक्ष्मी सबसे पहली शतरंज ग्रैंड मास्टर। एक बुक है जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स, के लेखक कौन है? उन्होंने अपने 86वें जन्मदिन पर ई बुक लॉन्च की है और वो एक एंग्लो इंडियन है, उत्तराखंड में रहते हैं। बाकी मैंने लास्ट संडे क्वेश्चन, मैंने बुक्स की बहुत सारी डिटेल दी है। रस्किन बॉन्ड साहब है, लेकिन रस्किन बॉन्ड जेम्स बॉन्ड के भाई बिल्कुल नहीं है, याद रखना। इनकी बुक की एक लिस्ट याद कर लेना, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नहीं बेटा, जी सिंह जो मैंने बोला है वही सही है, कोनेरू हम्पू नहीं है भाई। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? फर्स्ट सेंसस किसने कराया था? लॉर्ड मायो ने। किसने कराया था? लॉर्ड मायो ने कराया था बेटा, लॉर्ड मेयो या मायो, कब कराया था ये बता दो मेरे को आप लोग। 84, 72, 81, 91, बिल्कुल सही बात है, 1872। और 1881 वाला ये कराया लॉर्ड रिपन ने, ये रेगुलर वाला है, यहीं से रेगुलर स्टार्ट हुआ था, नियमित हर 10 साल बाद आज भी होता है, 2021 में होगा लेकिन इस बार लेट आएगा कोरोना की वजह से। 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। इस आयोजन की याद में 15 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बता दिए। नहीं बेटा, चेतन भगत नहीं है उसका, रस्किन बॉन्ड साहब हैं। विनोद यादव जी जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, आर्मी डे, नेवी डे? बिल्कुल, वेरी गुड, किसका आंसर सबसे पहले आया? स्नेहा सोनी, सही है बेटा, तो कौन सा है? आर्मी डे। नेवी डे होता है 4 दिसंबर को, एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, और भाई आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे होता है 7 दिसंबर को, ठीक। नेक्स्ट है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलावा कर्क रेखा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किससे होकर जाती है? तो भाई ये हमारा ग्लोब है, इस पर ये हो गया इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर से ही 23.5 डिग्री नॉर्थ एक रेखा जाती है जो कि नाम से जानी जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सारी रेखाएं काल्पनिक होती हैं, कैसी होती है? इमेजिनरी लाइन होती है। तो इंडिया के 8 स्टेट से होके जाती है, कितने स्टेट से? 8 राज्यों से होके जाती है, 6 आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, बाकी 2 बचे मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसके बाद नेक्स्ट आता है नैनो एंड सॉफ्ट मैटर विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? CENS, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर मुंबई या तो फिर कोलकाता, जल्दी जल्दी बता दीजिए कहाँ पर है। बताइए भाई कहाँ पर है ये? तो ये है आपका बेंगलुरु में। नेक्स्ट इसके बाद आता है निम्न में से कौन सी समिति ने संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना की वकालत की थी, मतलब सिफारिश की थी, और वो जो है मेनली जानी जाती है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। नाम है उसका सरकारिया कमीशन। क्या नाम है? सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन। इथियोपिया के द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों मिस्र और इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? विच रिवर इज द मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बींग कंस्ट्रक्टेड बाई द इथियोपिया विच हैज़ इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर वॉर बिटवीन द कंट्री लोकेटेड इन द रिवर डाउन स्ट्रीम? एग्जाम्पल आपका हो गया इजिप्ट एंड इथियोपिया।
तो क्या है भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होता है नाइल नदी, नील नदी पर सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अफ्रीका की से लौटने के बाद गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह कौन सा किया? गांधी जी जो हैं वो गए थे साउथ अफ्रीका, वेंट इन 1893 और रिटर्न हुए थे ऑन 9th जनवरी 1950, लगभग 22 साल बाद। तो उसके बाद 2 साल बाद उन्होंने पहला मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था चंपारण मूवमेंट बिहार में। दूसरा वाला जो मेन था वो था अहमदाबाद और तीसरा वाला जो था भाई वो था खेड़ा। ये दोनों आपके गुजरात में है और दोनों की ईयर सेम है 1918। नील की खेती करने वाले किसानों का था चंपारण मूवमेंट। नेक्स्ट आया, निम्न में से कौन सा भौगोलिक शब्द है एक उपमहाद्वीप भूमि के टुकड़े संबंध है जो पानी से घिरा हुआ है? मतलब ये आपका एक लैंड एरिया है, ठीक है ना, घास फूस इस पर आपको दिखाई दे रही है, इधर चारों तरफ जो है ये पानी है, हर तरफ क्या है ये वाटर है, वाटर। तो इसको क्या नाम देंगे भाई, इसको जो नाम देंगे आप ये क्या नाम देंगे, इसको नाम देते हैं हम लोग आइलैंड नाम देते हैं। बिल्कुल सही बात, क्या नाम देते हैं, आइलैंड नाम देते हैं, द्वीप नाम देते हैं। प्रायद्वीप तीन तरफ से होता है, प्रायद्वीप क्या होता है तीन तरफ से, एक तरफ भूमि होती है। नेक्स्ट आता है 1965 में भारत के पहले मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना किस बंदरगाह पर हुई थी? इन 1965 एट विच पोर्ट वॉज द इंडियाज फर्स्ट फ्री ट्रेड जोन एस्टेब्लिश्ड? कांडला जो कि गुजरात में है, कोच्ची जो कि केरला में है, फाल्टा जो कि वेस्ट बंगाल में है और चेन्नई भाई जो कि कहाँ पर है आपका तमिलनाडु में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होता है वो कौन सा होता है, वो आपका कांडला बिल्कुल सही आंसर है। और कांडला को बोलते हैं सन या चाइल्ड ऑफ द पार्टीशन, बिल्कुल सही, वेरी गुड, चाइल्ड ऑफ द पार्टीशन मतलब भारत की आज़ादी, तो यह है आज़ादी का बच्चा, आज़ादी का बच्चा या बेटा, क्यों, क्योंकि आज़ादी के बाद तैयार हुआ है। नेक्स्ट आता है काल्पनिक जासूस है जिसका नाम है फेलुदा, उसका निर्माण किसने किया है? हु क्रिएटेड द फिक्शनल डिटेक्टिव फेलुदा? आर के नारायण, सत्यजीत रे, मुल्क राज आनंद, वी एस नायपाल, कौन है, क्या नाम है, कुछ ही नहीं है देवीदास जी, उसका जो सही आंसर था वो आपका था कांडला, सत्यजीत रे इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड भाई। बाकी भाई आप लोग हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़िए, मेरे कमिंग वीक में 2-3 बैच आ रहे हैं एसएससी और रेलवे को लेके, आज या कल से लाइव आपके हो जाएंगे, तो आप लोग बैचेस को ज्वाइन कीजिए। बाकी आप लोग सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, कई सारी क्लास रहेंगी 11 AM और 6 PM पर अनअकैडमी पर मिलेगी, बाकी 1:30 बजे ये वाली सेम क्लास आपकी रहेगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।